हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखा जाता है और हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। आइए देखते हैं एपी क्या होती है और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है दोस्तों, ये एक सिक्वेंस है। सिक्वेंस क्या होती है, किन्हीं नंबरों को अगर मैं अरेंजमेंट, किन्हीं नंबरों की अरेंजमेंट कर दूं एक डेफिनेट ऑर्डर में, जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है दोस्तों, अब इस सीक्वेंस में ये 2 क्या है, 4 क्या है, 6 क्या है, 8, 10, 12, ये क्या चीज़ है। जैसे 2 देखते हैं, 2 क्या है मेरा, A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। A1 क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये फर्स्ट टर्म है तो इसको फर्स्ट टर्म A1 लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है A2 क्या है, सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस 6, ऐसी फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। अगर मैं आप पूछूँ सिक्स टर्म क्या है इसकी, तो 12 है। ठीक है दोस्तों, A1 फर्स्ट टर्म है ना, इसको A भी बोल देते हैं। A1 या A सेम ही बात है, A1 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, या तो उसको आप A1 बोल दो या A बोल दो, सेम ही बात है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं ये जो मेरे सीक्वेंस है ये एपी में कब कहलाएगा। कोई भी सीक्वेंस एपी में कब कहलाता है, अगर कोई सीक्वेंस किसी कांस्टेंट नंबर से इनक्रीज़ करे या किसी कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज़ करे, उसको बोलते हैं एपी के अंदर है। जैसे यहाँ देखते हैं, 2 के बाद 4 कैसे आया, उसमें +2 किया, 4 के बाद 6 कैसे आया, +2 किया, 6 के बाद 8 कैसे आया, +2 किया, 8 के बाद 10 कैसे आया, +2 किया, 10 के बाद 12 कैसे आया, +2 किया। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, हर एक नंबर में +2 ऐड कर रहे हैं और नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो रहा है मुझे। ठीक है दोस्तों, यानी कि हर एक नंबर में 2 ऐड किया जा रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंट नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर ये कॉन्स्टेंट नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है तो ये सिक्वेंस किस में है, एपी में है। तो इस सिक्वेंस को क्या बोल लेंगे, ये क्या एपी में, ये सिक्वेंस एपी में है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मेरा ये 2 कॉन्स्टेंट टर्म आई जिस कॉन्स्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डी लिखते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टर्म में से अगर मैं प्रीवियस टर्म यानी कि अगले टर्म में से पिछले टर्म माइनस कर दूं तो डी फाइंड आउट होता है, और ये हर एक स्टेप पे सेम आना चाहिए तो वो एपी में कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, हाँ जी, ये क्या था, A1 था और ये क्या था, A2 था। तो यहाँ डी कैसे मिलेगा, अगर A2 में से माइनस A1 कर दूं तो डी आ जाएगा। A2 क्या मेरे पास 4, 4 माइनस 2, 2, हाँ जी 2, डी मेरा क्या आ गया 2। ऐसी डी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, ये क्या है A3 में से A2 माइनस कर दूं, 6 माइनस 4, तब भी डी आ गया। ऐसे डी और कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, A4 में से A3 माइनस कर दूं, तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। A4 क्या है मेरा, 8 है, 8 में से 6 माइनस किया, तब भी डी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अगर मेरा कॉमन डिफरेंस हर स्टेप पे, जैसे यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था, हर एक स्टेप पे सेम आए, तो इस तरह के सीक्वेंस को मैं क्या बोलूँगा, वो सीक्वेंस क्या है, एपी में है। आइए कुछ सीरीज देखते हैं, उनको चेक करते हैं वो एपी में है क्या नहीं है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस है आपके पास 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए ये एपी में है क्या नहीं, इसको चेक करते हैं एपी में है क्या नहीं। तो एपी में कैसे चेक करते हैं, डी, हर एक स्टेप पे डी देखते हैं बराबर है क्या नहीं। हाँ जी, इसमें से अगले टर्म में से पिछले टर्म माइनस करते हैं, 6 में से 3 गया 3, हाँ जी। यहाँ पे चेक करते हैं अगले टर्म में से पिछले टर्म माइनस किए, यहाँ भी 3 आ रहा है। ऐसे यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, हर एक स्टेप में डी क्या आ रहा है मेरा, सेम आ रहा है। तो हर स्टेप में डी सेम आ रहा है, तो ये क्या है, ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 4, 8, 12 और 17, इसको चेक करते हैं ये एपी में है कि नहीं। आइए चेक करते हैं ये सीक्वेंस है कोई, ये एपी में है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आया, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म।
आठ में चार गया चार, बारह में से आठ गया चार, सतारह में से बारह गए पाँच। हाँ जी, यहाँ पे डी क्या है चार, यहाँ पे डी क्या है चार, यहाँ पे डी क्या गया पाँच, यानी कि डी हर एक स्टेप पे क्या सेम नहीं है, यानी कि ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। ये सीक्वेंस एपी में क्यों था, क्योंकि हर एक स्टेप पे डी सेम था। आई होप आपको ये समझ आएगा भी कोई सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, कैसे चेक किए जाते हैं। और सीरीज देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस दे रखे हैं मुझे रूट थ्री, रूट बारह और रूट सताईस। ठीक है दोस्तों, ये पूछ लिया जाए ये एपी में है कि नहीं। आइए चेक करते हैं एपी में क्यों है ये। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है। मैं डी चेक करता हूँ, डी कैसे चेक करेंगे, ए टू माइनस ए वन। ठीक है दोस्तों, ए टू क्या है रूट बारह माइनस के रूट थ्री। ठीक है, रूट बारह माइनस के रूट थ्री, रूट बारह को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट बारह को मैं चार मल्टीप्लाई तीन लिख सकता हूँ। आई होप आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। और रूट चार बाहर आ जाएगा तो इसको टू रूट थ्री लिख सकता हूँ, और माइनस के रूट थ्री, टू रूट थ्री में रूट थ्री गया तो क्या आ जाएगा रूट थ्री, यानी कि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या रही है रूट थ्री। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप पे भी देखते हैं, सेम आ रही है रूट थ्री, रूट ट्वेंटी सेवन माइनस के रूट ट्वेल्व। ठीक है दोस्तों, रूट ट्वेंटी सेवन, रूट ट्वेंटी सेवन को मैं थ्री रूट थ्री लिख सकता हूँ, तीन तीय नौ, नौ तीय सताईस। ऐसे इसको तो मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया था, ये लिखते हैं थ्री रूट थ्री में से टू रूट थ्री गया तो क्या आता है रूट थ्री, तो यहाँ भी क्या आ गया डी रूट थ्री आ गया। यानी कि हर एक स्टेप पे डी की वैल्यू क्या आ रही है मेरी सेम आ रही है, तो डी की वैल्यू हर स्टेप पे सेम आ रही है, तो ये क्या एक ये सीक्वेंस क्या है एपी में है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं, और सीक्वेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस आ गया मेरे पास पाँच दस पंद्रह और बीस। ठीक है दोस्तों, इसको चेक करना है ये एपी में है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, डी चेक करेंगे, यहाँ पर डी क्या है पाँच, यहाँ पर डी क्या है पाँच, और यहाँ पर भी डी क्या है पाँच, यानी कि हर एक स्टेप पे डी की वैल्यू क्या है सेम है, तो ये सीक्वेंस एपी में है। हाँ जी, ये सीक्वेंस एपी में है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी इसकी टर्म, ये कौन सी टर्म है इसकी, ये फर्स्ट टर्म है ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर। इससे अगली बार कौन सी टर्म आएगी, ए फाइव आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी ए फिफ्थ क्या आएगी, ए फिफ्थ कैसे आएगी, तो कैसे निकालोगे आप। हाँ जी, 15 के बाद 20 कैसे आया था, इसमें 5 जोड़ा गया था, तो 20 के बाद, 20 के बाद क्या आना चाहिए मेरा, उसमें 5 ऐड कर दो तो ये क्या आएगा 25। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं आपसे ए सिक्स पूछूँ तो ईजी है निकालना 30। तो इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हो, एपी में नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास रूट टू, रूट एट, रूट एटीन। ठीक है दोस्तों, ये कोई सीक्वेंस है, इसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करो, फोर्थ टर्म, ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसके बाद आएगी फोर्थ टर्म, वो फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं डी फाइंड आउट कर दूँ इसका, डी फाइंड आउट कर दूँ, डी फाइंड आउट करके पहले तो चेक करते हैं ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। अगर ये सीक्वेंस एपी में है, उसमें मैं अगर इस स्टेप में डी जोड़ दूंगा तो अगली टर्म आ जाएगी। आइए चेक करते हैं, जैसे पहले मैं डी देखूंगा ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, चेक करते हैं। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं रूट एट माइनस के रूट टू। हाँ जी, रूट एट क्या होता है, रूट एट को मैं फोर मल्टीप्लाई टू लिख सकता हूँ, और इसको मैं टू रूट टू लिखता हूँ, इसको रूट टू लिखता हूँ, टू रूट टू में से रूट टू गए तो रूट टू होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ देखते हैं डी, डी यहाँ क्या आ जाएगा रूट एटीन माइनस के रूट एट। रूट एटीन क्या होता है, हाँ जी, रूट एटीन को मैं क्या लिखता हूँ, नौ दूनी अठारह माइनस के रूट एट, और इसको मैं थ्री रूट टू माइनस के, इसको टू रूट टू, तो इसको क्या आ गया टू रूट टू सोल्व करके। तो यहाँ भी डी की वैल्यू रूट टू है, यहाँ भी रूट टू है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी डी सेम है और यहाँ भी क्या मेरा डी सेम है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पूछूँ इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यानी कि ए फोर क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, इसमें इस टर्म में डी जोड़ दो, डी जोड़ दो, तो ए फोर क्या हो जाएगा मेरा रूट एटीन प्लस में रूट टू। ठीक है दोस्तों, रूट एटीन प्लस रूट टू क्या होता है, रूट एटीन को कैसे, रूट एटीन को कैसे लिख सकते हैं, अभी लिख के दिखाया था थ्री रूट टू और रूट टू, तो रूट टू तो क्या आ जाएगा फोर रूट टू। ठीक है दोस्तों, फोर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सोलह मल्टीप्लाई दो, ये चार अंदर चला गया, और इसको मैं रूट 32। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा कोई सीक्वेंस एपी में कब होती है, अगर सीक्वेंस एपी में है तो उससे नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है शो दैट द सीक्वेंस, ये कोई सीक्वेंस है मेरा ए एन इज इक्वल टू फोर एन, ठीक है दोस्तों, इज एन ए पी, ये ए पी में है, आइए चेक करते हैं। अब पहले ये देखते हैं ये ए एन क्या है, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जैसे उसमें था दो चार छः आठ और दस, इस तरह के एक सीक्वेंस थी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे ये पूछूँ ये क्या है ए वन यानी कि फर्स्ट टर्म, ये क्या है ए टू सेकेंड टर्म, ये ए थ्री, ये ए फोर, ये ए फाइव, अगर ये सीक्वेंस ऐसी आगे चलता रहे इसमें कहीं एंथ टर्म भी आएगी ए एन, उसको मैं बोल देता हूँ ए एन यानी कि एंथ टर्म। जैसे ये सेकेंड टर्म है, ये क्या है एंथ टर्म, ठीक है दोस्तों, या तो इसको एंथ टर्म बोलते हैं या इसको बोलते हैं जर्नल टर्म, ठीक है दोस्तों। जर्नल टर्म क्यों बोलते हैं इसको, आइए इस क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू किसके बराबर है मेरे पास, फोर एन के बराबर, ठीक है दोस्तों। ए एन इज इक्वल टू किसके बराबर है, फोर एन के बराबर है। अगर आप एन की जगह पे वन पुट करके देखो क्या आता है, एन की जगह पे यहाँ भी वन हो जाएगा, तो ए वन फोर मल्टीप्लाई वन फोर यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई। ऐसी टू पुट करके देखो एन की जगह पे तो क्या गया एट, ऐसी थ्री पुट करके देखेंगे ट्वेल्व आ जाएगा, फोर पुट करके देखेंगे क्या आ जाएगा सिक्सटीन आ जाएगा। यानी कि इस टर्म से, इसको जर्नल टर्म इसलिए बोला गया है, इस टर्म की हेल्प से मैं इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। ए वन एन की जगह पे वन पुट किया गया फर्स्ट टर्म आ गई, यानी कि सीक्वेंस क्या आ गया फोर एट ट्वेल्व और सिक्सटीन, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूँ ए फाइव, ए फाइव एन की जगह पे सिंपल आपको क्या पुट करना है फाइव पुट करना है, इसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ट्वेंटी पुट कर दो यहाँ पे, ए ट्वेंटी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया मेरे पास, सीक्वेंस आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये मुझे चेक करना है ये सीक्वेंस एपी में है क्या नहीं है। आइए देखते हैं सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं। ए टू माइनस ए वन, इसको इसमें से माइनस कर देंगे चार आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे चार आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे चार आएगा, यानी कि हर एक स्टेप पे डी की वैल्यू, डी है ना ये ए टू माइनस ए वन, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो सीक्वेंस किस में एपी में होता है, तो यानी कि ये सीक्वेंस किस में है एपी में है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे आ जाए टू एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है दोस्तों। ये मुझे चेक करना है ये एपी में है कि नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये क्या है टू एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, तो आप ये कौन सी टर्म है, ये इसकी एंथ टर्म है या आप इसको जर्नल टर्म बोल देते हैं। एन की जगह पे वन पुट कीजिए आप, वन का स्क्वायर वन और वन प्लस टू थ्री, ए टू दो दूनी चार, चार दूनी आठ और एक नौ, ए थ्री एन की जगह पे तीन पुट कर दूंगा यहाँ, तीन का स्क्वायर नौ, नौ दूनी अठारह और एक उन्नीस, ठीक है दोस्तों। सॉरी ए फोर भी ऐसे ही फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद ए फाइव भी ऐसे ही फाइंड आउट हो जाएगा। इन्हीं को चेक करते हैं, पहले दो तीन पे चेक करके देखते हैं ये ए पी है कि नहीं। हाँ जी यहाँ पे डी देखते हैं क्या है, इसमें से ए माइनस करेंगे क्या आ जाएगा छः, और यहाँ पे डी देखते हैं क्या है यहाँ पे दस। हाँ जी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है स्टेप पे, तो आगे भी कॉमन डिफरेंस अलग अलग ही आएगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये क्या है ए पी में नहीं है, यानी कि ये सिक्वेंस है जो ए पी में नहीं है। इस तरह से आप जर्नल टर्म की हेल्प से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं भी ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। आई होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।